इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट घुड़ादरी, सकल दिगंबर जैन समाज बावलवाड़ा, खड़क क्षेत्रीय दिगंबर जैन दशा हुमण महासभा, जिला उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि घुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नाथपुरम में, जहां युग श्रेष्ठ महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 19 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस महानुष्ठान के अंतर्गत आज श्रद्धालुओं को प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल और साक्षी बनते हैं इस महानुष्ठान के पावन दृश्यों के। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले शीश पे कलशों को ले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। करम की हिम पिघले नील गगन के तले शीश पे कलश फूले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। नील गगन के तले ज्ञान दीप तपुई धन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ज्ञान दीप तपुई धन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ये तम को हर ले खुशी मिल के चलो आज कबूल बन करेंगे। स्वर्ण कलश
चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतु धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्मा अरंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली बनतु धम्म लोगोत्मा चत्तारी शरणं भवजामि अरंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली बनतम धम्मम शरणं भवजामि रोमनादि सिद्ध मंत्रे बिना मंत्र शांति गुरु गुरु तुष्णीं पुष्णीं च गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं यं यं जीं जीं भीं भीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमो रते भगवते ओम ह्रीं क्लूं मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पद पद पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं वं वापहा छां छीं छूं छीं छूं छं छं छीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रीं राम ह्रीं द्रावै द्रावै श्रीमते ठाठव शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि ओम रूम छुम फट ग्रीटिंग ग्रीटिंग गाताय गाताय पर विज्ञानी स्फोटे स्फोटे सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिन छिन पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वा वा हरुम पट सोल रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रते भगवते प्रचिना से दोष कल मसाय देव तेजो मूर्ते नमस्ते शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुछ छुद्रो बद्रो नाथाय सर्व अब के बेर रख दीजियो शान से फहरे भक्तों के दिल में ये लहरे नील गगन में लहराती ये नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए धर्म की ध्वजा रही लहरा धर्म की ध्वजा रही लहरा
पावन दीप जलाए मिलकर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। भाव के पुष्प और प्यार की माला। धर्म स्नेही भवात्माओं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आचार्य भगवंत यहीं पर साक्षात विराजमान है। ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंत वहां होते हुए भी उनका मन यहां पर है। कहते हैं कि ऐसा होता है गुरुवर का आशीर्वाद कि उजड़ा हुआ वीरान भी हो जाता है आबाद। ऐसे गुरु महाराज का आशीर्वाद आया है। जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे घट यात्रा के साथ में, तो पीछे से हवा ऐसी चल रही थी जैसे गुरु ही महाराज हवा देते चले जा रहे हो। और ऐसा ही आज भी सुबह भैया ने बताया कि आज क्या हो रहा है वहाँ पर, तो यहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा है और ऐसा आशीर्वाद आया कि वह ध्वजा कहाँ पहुँच गई, कुबेर की दिशा में उसने अपना रुख कर लिया। आचार्य भगवंत ने पंच महागुरु भक्ति लिखते हुए कहा कि समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित्र की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। इस नौ देवता हुआ करते हैं, नौ देवता में पंच परमिष्ठी, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय, ये नौ देवता होते हैं। इनमें साधु परमेष्टी जो होते हैं उनके लिए कहा, ये साधु परमेष्टी साक्षात चारित्र की ध्वज लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। और जब तक इस धरती पर ऐसे निर्ग्रंथ साधु अपनी चारित्र की ध्वजा लेकर के विचरण करते रहेंगे, तब तक इस पृथ्वी पर धर्म जीवंत रहेगा। पंचम काल के अंत में भी ऐसे भावलिंगी संत आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही उन संतों में भी श्रोमणि हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपनी चारित्र की ध्वजा से इस धर्म की प्रभावना निरंतर करते चले आ रहे हैं। यह ध्वजा भी एक धर्म देवता का प्रतीक माना गया है। नौ देवता में धर्म देवता भी हुआ करते हैं। वह धर्म देवता कहाँ रहते हैं आप लोगों को पता है? ढूंढो। पंच परमेष्ठी तो आप जानते ही हैं, जिन चैत्य भी जानते हैं, चैत्यालय भी जानते हैं और जिनागम भी जानते हैं। जिन धर्म कहाँ रहता है तो कहते हैं, ना धर्मो धार्मिकैर विना, क्योंकि यह धर्म जो रत्नात्मक रूप धर्म है, यह धर्मात्माओं के अंदर ही पाया जाता है। इनको इसका दर्शन करना है तो इन रत्नात्रयधारी मुनिराजों के अंदर करो।
किसी कवि ने अपनी भावनाएं प्रकट की, उस समय उनके लिए ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं होते थे, बीच में अभाव हो गया। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं, आप लोगों के लिए ऐसे निर्गंथ मुनिराजों के दर्शन मिल रहे हैं। और उन्होंने अपने भावना लिखी कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। ऐसे दुखी रहते थे सम्यक दृष्टि ऐसे विद्वान पंडित जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की, आगम के अनुरूप की, और वह अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा वजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। जीवन की किश्ती भंवर में फंस गई, अब तारक बिन कभी तरा जाता नहीं। क्या भावना रखते हैं, भावना तो उनकी ऐसी है कि मैं भी साधु बनूं। जी में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन कभी साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, क्योंकि साधु ही जो ऐसे आचार्य पद को प्राप्त हो जाते हैं, जब संस्कार डालते हैं तो अनेक साधु आप लोगों के सामने आ जाते हैं। अभी भावना लोग रख रहे थे, महाराज इस तरफ भी पधारो, अहमदाबाद की ओर भी आप। तो हमने इनसे कहा कि अब रास्ता खुल गया है, वो माता जी का आप लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल गया है, अब गुरुदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहेगी, आप पुरुषार्थ करते रहो। कहते हैं पुरुषार्थी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं वह रच लेता है। इसलिए चार पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को रखा। जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ के साथ अपने और अन्य पुरुषार्थों को करता है, कहते हैं वह दुर्गति का पात्र नहीं होता, और अंत में जाकर के चतुर्थ मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को भी वह कर लेता है। तो ये ध्वजा हमारे लिए धर्म देवता का प्रतीक है, रत्नत्रय का प्रतीक है, इसमें मूल भी है, डंडा भी है और ध्वजा है। मूल क्या है, तो कहते हैं मूल तो सम्यक दर्शन का प्रतीक है। आचार्य सिंह ने हाई को लिखा है, न्यू पक्की है, घर कच्चा है किंतु छांव घनी है। न्यू पक्की है, घर कच्चा है किंतु छांव घनी है। इसका अर्थ है कि न्यू यानी सम्यक दर्शन अगर आपका पक्का है, भली ज्ञान आपको ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि हमें अपना श्रावक का पन किस प्रकार पालन करना है, अथवा श्रवण के योग्य क्या चर्या होती है, इतना भी कर्मात ज्ञान है, तो आचार्य भगवान कहते हैं छांव घनी है। ऐसा सम्यक दृष्टि, ऐसा वृत्ति जब भी आयु वंद करता है, वह ऊपर के स्वर्ग की आयु का वंद करता है, देव आयु का वंद करता है, और वहाँ जाकर के सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करता है, ऐसे ही साक्षात भगवान के पंच कल्याणक मनाता हुआ। असंख्यात वर्षों की आयु वहाँ पर होती है, और कितने पंच कल्याणक मनाने के लिए साक्षात मिलते हैं कहना ही क्या है। ऐसी सुखपूर्वक छांव में रहता हुआ फिर यहाँ पर आता है, और उसके लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं मिल जाती हैं, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव, और पुरुषार्थ करता है तो वह भी भगवत पद को एक दिन प्राप्त कर लेता है। इसलिए मूल यानी सम्यक दर्शन को हमें सुरक्षित रखना है, और वह सम्यक दर्शन सुरक्षित तभी रह सकता है
जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की दृढ़ श्रद्धा रखें। कहीं भय से, कहीं स्नेह से, कहीं लोभ से हम वीतरागी भगवान को छोड़ करके और अन्यत्र इस प्रकार से करने लगते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं हमारे सम्यक दर्शन में फिर दोष लग जाते हैं। तो जिसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है वही व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का वंद करता है। और ऐसी ये प्रकृति होती है जो तीनों लोकों में तहलका मचाने वाली होती है, चारों निकायों के देव जिनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। छह माह पूर्व से ही यहाँ पर अयोध्या नगरी की रचना होकर के रत्नों की वर्षा देवलोक करने लगते हैं। ये सब सम्यक दर्शन की निर्मलता के ही परिणाम है। इसलिए अपने इस मूल को सुरक्षित रखो और ये डंडा सम्यक ज्ञान का प्रतीक है और ध्वजा चारित्र का प्रतीक है। चलती हुई, हिलती हुई, लहराती हुई वह ध्वजा ऐसा यह रत्नत्रय का प्रतीक ध्वज दंड होता है। वो कहते हैं कि जो ऐसे महान महोत्सव में ध्वजारोहण करता होता है वह अगुआ होकर के उसकी प्रथम भूमिका के रूप में सबसे पहले ध्वजारोहण करता है तो उसका यश सर्वत्र फैल जाता है और जहाँ भी जाता है वह प्रधान पदों को प्राप्त करता है। तो साथ साथ में उसकी अनुमोदना करने वाले भी ऐसे ही पुण्य का संचय करते हैं। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो और कहीं पहला अवसर मिल रहा हो तो उसको अवश्य ले लेना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति ऐसा सातवीं से पुण्य का संचय करता है कि धर्म उसको फिर हमेशा ऊपर ही उठा करके रखता है, कभी गिरने नहीं देता। इसलिए कहा है कि ये तीन चीजें हैं, एक झंडा है, एक डंडा है और एक उसकी नींव है। हमारे जो ऐसे पुरुष जन हैं जो अपने आप में बुजुर्ग कहलाते हैं, बुद्धि से संपन्न होते हैं, अनुभव से भरे होते हैं, ऐसे लोग अगर नींव बन जाएं धर्म अनुष्ठान की और युवा महिलाएं डंडा बन जाएं और युवा वायु बन करके चले जाएं तो यह धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहेगी। हर सर्वत्र यह धर्म की प्रभावना होती रहेगी। समय बहुत हो गया, लेट हुआ है आज कार्यक्रम, हम लोगों की चर्या का समय है, इतना ही हम आज पर्याप्त समझते हैं कि इस नींव को पक्की रखना। और अगर ये नींव आपकी पक्की है, वीतराग प्रभु की आराधना अगर आप निरंतर करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथों की आराधना निरंतर चलती है, भगवान की वाणी को आप आत्मसात करते हैं और दृढ़ श्रद्धा अगर आपकी है तो बस कहते हैं कि एक बार भी अगर ये अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, इतना प्रभाव इसका पड़ता है, हमारा अनंत संसार छेदन होकर के मात्र चुल्लू हर बचता है। इसका अर्थ मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये अनुष्ठान पंच कल्याणक का अनुष्ठान सम्यक दर्शन की वृद्धि में कारण होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण होता है, साथ साथ में धर्म की वृद्धि इसके माध्यम से होती है और लोग अपने धन का भी सही सही सदुपयोग कर लेते हैं। ऐसा यह पंच कल्याणक महामहोत्सव जो क्षेत्र के जीर्णोद्धार रूप में क्षेत्र की वृद्धि के लिए हो रहा है तो इसमें आप लोगों को चूकना नहीं है, इस अवसर का लाभ उठा लेना। कहते हैं कि जो अवसर पर दान दिया जाता है वह अनर्घ हो जाता है, यानी उसकी कोई मूल अगर आंकना चाहे, उसके पुण्य के बारे में अगर कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं सकता। ऐसे अवसर हैं, इन अवसर पर
आप अपनी उदारता के साथ और इसके साथ यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान करें, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आपको जाप करना है, इसमें चावल नहीं चढ़ाना और कुछ चढ़ाना नहीं। गायोसर मुद्रा में आप जाप करिए। ओम नीम त्यारा सिद्धा जानु माजसर साधु जिंदर मिनागम नीम त्यार त्यार त्याले यो नमः स्वाहा। I'm gonna make you mine।
तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं, माता रानी को निंद्रा में 16 सपने दिख जाते हैं। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं, माता रानी को निंद्रा में 16 सपने दिख जाते हैं। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं। रावत हाथी श्वेत बैल सिंह दो मालाएं श्री लक्ष्मी चंद्रमा सूर्य संग कलश युगल और मीन युगल के संग सरोवर समुद्र सिंहासन देव विमान नागेंद्र रतन राशि के साथ धूम्र रहित अगन सुख लाते हैं। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं। जिन वर के गर्भ में आते ही चहु
तिस मंगल छा जाता है। स्वर्गों में बैठा धन कुबेर कई दिन तक रतन लुटाता है। सुखमय हो जाती है धरती, जन जन को सब निधियां मिलती, सब जीव तृप्त हो जाते हैं। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं। पंच कल्याणक में सर्वप्रथम गर्भ कल्याणक का दिन आता। ये तीर्थंकर प्रभु के अवतरण की भविष्यवाणी करता था। होती है धन्य प्रभु की माता और पिता का मन है हर्षाता, सब ही जन मंगल गाते हैं। तीर्थंकर जो ही अपनी माता श्री के गर्भ में आते हैं। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये। जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इस दुनिया के पालनहारे माँ के गर्भ में जब आए, प्रभु के आने की आहट से जीव जगत के हर्षाए। गर्भ कल्याणक मना रहे सब, गर्भ कल्याणक मना रहे सब, भगवान कृपा निधान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महा। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। ओम जी सुमतनाथ नारायण मार घंटर पार्टी ओम शिष्य सुभाषनाथ नारायण मार्ग भंडर पांती Thank you.
फंक्शन में आप लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर गौर करना और अपनी संस्कृति को पुनः जागृत करना है। ये मात्र कार्यक्रम बाहर का कार्यक्रम नहीं है, भीतर का कार्यक्रम है। चार बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शुद्धि का ध्यान रखना है, तन की शुद्धि का। अशुद्ध अवस्था में कोई भी महिला यहाँ पर अब प्रवेश नहीं करे, किसी भी रूप में जब तक पूर्ण शुद्धि न हो इस पंडाल में प्रवेश न करें। और भी इस गांव की भी जो महिलाएं हैं उन्हें भी आप लोग समझा दें, वरना इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में जूते चप्पल आदि लेकर के कोई भी प्रवेश न करे। ध्यान रखें अपनी पूरी तरह से तन की शुद्धि का। दूसरी बात है विशुद्धि का। विशुद्धि का ध्यान आपको रखना है तन से शुद्धि और मन से विशुद्धि। अर्थात मैं ये पदधारी हूँ, मैं वो पदधारी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब छोड़ देना पंडाल के बाहर। मैं तो सिर्फ प्रभु का सद्भक्त हूँ, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, अगर किया होता कुछ तो आज तक मैं भी भगवान हो गया होता। मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, बस प्रभु मैं अपना कल्याण कर सकूं इसके लिए इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में शामिल हुआ हूं। मुझे लगे कि मैं वास्तव में भगवान का साक्षात जैसे सौधर्मी इंद्र करता है, जो इंद्र चतुर्निकायी देव मिलकर के करते, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैं भी यहाँ पर पंच कल्याणक को देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इतना आनंद आ रहा है, भावों में इतनी विशुद्धि हो रही है कि कर्ता भाव अहम भाव खत्म हो जाए और हर्ष उल्लास से उत्सव में इतना महानंद आए कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आत्मा का हर प्रदेश आनंद से भर जाए। जैसे जब रामचंद्र जी सीता को लौटा करके लाए तो उस वक्त लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी जब तीनों मिलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। और ऐसे भाव विभोर की दशा में वन्य प्राणी जितने भी थे, वो पशु पक्षी, वो भी नाचने लग जाते हैं। एक मयूर वो भी नाचने लगता है, जैसे कि आपके यहाँ पर इस अरावली की घाटियों के बीच में प्रातः काल हम देखते हैं चारों तरफ मयूर नाचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही मयूर भी नाचने लगे। इतना नाचा मयूर कि उसने अपने सारे पंख झड़ा दिए, सारे पंख झड़ गए उसके, ऐसा नाचा। तो श्री रामचंद्र जी ने उस मयूर को उठाया और प्यार से सहला दिया, प्यार से सहलाया। तो अन्य पशु नाराज हो गए कि आपने सिर्फ मयूर को ही उठाया, हमें क्यों प्यार नहीं किया, हमें स्पर्श क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं सहलाया स्वामी, कहिए ना। तब रामचंद्र जी बोलते हैं, ये इतना हर्ष उल्लसित है, इतना आनंद से मग्न है कि वह हमारे आने की खुशी में इतना नाचा कि उसने अपना सारा पक्ष छोड़ दिया। पक्ष यानी पंख भी होता है, पक्ष यानी अहम भाव भी होता है। इसने सारा अपना अहम भाव छोड़ दिया, उसने सारा अपना पक्ष छोड़ दिया। आप लोगों ने छोड़ा क्या? तुम लोगों ने नहीं छोड़ा ना, इसीलिए मैं मयूर को ही उठाऊंगा ना। जवाब मिल गया, बस इतनी तन्मयता होना चाहिए कार्यक्रम में कि बस अब मैं कुछ नहीं, मैं प्रभु आदिश्वर तेरा भक्त हूं। और ऐसी भक्ति करे कि रोम रोम गाए, वाला आदिनाथ में तो पकड़ो तारो हाथ, मन दीजो सदा साथ हो, वाला आदिनाथ हो, तारा दर्शन थी मारा नयन ठरे छे। ओह प्रभु क्या कहूँ मैं, आपके दर्शन करके मेरे नयन तो बस हर्ष अश्रु से भीगते चले जाते हैं। अनंत काल की विषय कषाय की गांठ खुलने लगी है प्रभु। ऐसी दिव्य मूरत, कल्पज मुनिवर ने कहा था कि ऐसी मूरत जिसका दर्शन करने के बाद में आपका खुद मन कहेगा प्रभु, ऐसी मूरत कहीं नहीं देखी, इनकी नयनों को देखो, एक ताल होकर के देखो, एकाग्रता से देखो, खो जाओगे, ऐसे खो जाओगे कि तुम्हें भीतर से द्वार मिलेगा, अंतर जगत में पहुंच जाओगे और पहुंच करके तुम्हें भी अपना निज का परमात्मा नजर आने लगेगा। ये वो आदि जिन है जिनका आश्रय लेते ही निज का परमात्मा दिखने लगता है। सौभाग्यशाली है आप लोग खड़कवासी जो ऐसे प्रभु को पाए
बैठे हुए हैं। हम लोग तो, मैं तो जहाँ जहाँ रहती हूँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अनगिन बार प्रभु का स्मरण न करती हूँ। चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ बिगड़ी हो, प्रभु का स्मरण करती ही सब छूमंतर हो जाती है। इतनी ताकत है प्रभु के नाम स्मरण में, और हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी ये स्थिति बनती है, मैंने अनुभव किया है। और अब जब यहाँ से आए हैं, यहाँ आए हैं प्रभु के चरणों में, तो फिर कहना ही क्या, हर दिन कितना आनंदमय महामहोत्सव सा लग रहा है। 28 तारीख से जब से हम आए हैं और पूज्य मुनिवर्षि जब से आ गए, तो और ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई रीतिधारी महामुनीश्वर इन घाटियों से विचरण करते हुए यहाँ पधार गए हो। भव्य जीवों, ये तीन चीजें तो आपने सुन ली, शुद्धि, दूसरी विशुद्धि, तीसरी है तन्मयता। उस मोर जैसी तन्मयता आ जाए, जैसे शरीर को सजा करके आते हो ना, आज क्या पहनना है, क्या उड़ाना है ना, इससे अनंत गुना ख्याल रखना कि आज परिणामों को कैसा रखना है। क्या मजाल कि मेरे परिणाम पर में भटक जाए, पुद्गल के आकर्षण में खो जाए। नहीं प्रभु, परम परमात्मा दिखे। अगर पर भी दिखे तो परम परमात्मा आदिश्वर प्रभु तू ही दिखे, और मुझे कुछ नहीं देखना। अनंत काल से देखते देखते थक चुका हूं प्रभु, अब तो सिर्फ ये आंखें तुझे ही देखना चाहती है। नजर माँ हो भले लाखो, हृदय माँ तमने राख्या छे, उमारा अंतर मन ना दे, मारा आत्म ना दे तमने मान्या छे। हे प्रभु आदिश्वर, मैंने अपना देव, अपने प्राणों का प्राण तो आपको ही माना है। भले इस नजरों से लाखों को देखो, लेकिन हृदय में तो आपको ही समाहित किया है प्रभु। देखो आप, ये मेरे शब्द नहीं, ये एक सद्भक्त की भावनाएं हैं, और आप बखूबी जानते हैं प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं। बस 24 घंटा प्रभु के सिवा कुछ न दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा उत्सव सार्थक हो गया है, ये महान उत्सव हो गया है, परिणामों की विशुद्धि का कारण बन गया है, और एक दो भव के अंदर तुम्हें भी मुक्ति का साधन मिल गया है। निश्चित तुम्हें साध्य की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। यहाँ कितने सारे पाषाण के परमात्मा आए हैं, अभी परमात्मा बने नहीं है, परमात्मा का आकार है, लेकिन 6 दिन के बाद में यहाँ से परमात्मा होकर के निकलेंगे। पर हम क्या होकर के निकलेंगे ये सोचना है। प्रभु हम एक अच्छे इंसान बन जाए, ना बन सके भगवान, एक अच्छे इंसान बन सके, सभी साधर्मी से प्रेम कर सके, सभी साधर्मी को अपना सके, जीवों के प्रति दया भाव रख सके, इतनी शक्ति देना। और चौथी बात है शुद्धि, दूसरा विशुद्धि, तीसरा तन्मयता, और चौथा है जो प्रतिष्ठाचार्य भैया जी ने कहा है, वो हमें अक्षरशः पालन करना है। ऐसा नहीं कि सुन रहे हो ऊपर जो मन में करना ठाना वही करना है, नहीं, अपने मनमानी हम बहुत करते रहे, पर अब जो जिनवाणी कहेगी, जो हमें गुरुजन बताएंगे वही हमें करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हितकारी बात बोलेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं ना, वैसे भी आप लोगों के अंदर बहुत सहजता है, सरलता है। इन दिनों में पवित्रता लाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे, किसी साधर्मी से कोई भी विवाद नहीं करेंगे, घर में जाएंगे तो प्रभु की ही चर्चा करेंगे और कोई अन्यथा चर्चा नहीं करेंगे। बस ये उपलब्धि आप सबके जीवन में है, यही विशेष भावना। समय बहुत कम है, अभी हम मुनिश्री जी का प्रवचन भी सुनेंगे। विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आप कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ें। ये मत सोचना कि हमें तो अब बावनवाड़ा जाना है, खेरवाड़ा जाना है, किसी भी वाड़े में जाओ, लेकिन प्रभु आदिनाथ के वाड़े में ही रहना है आपको, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, कोई कार्यक्रम छूटना नहीं चाहिए। कल जो रात को 11:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, विशेष रूप से वह कार्यक्रम होने वाला है। अभी आप लोगों ने जो बहन के माध्यम से सुना प्रतिभा स्थली के बारे में, जब कल हमारे सामने एक बालिका आई दाहोद की, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, बोले माता जी हम क्या बताएं, जब से हमारी बच्ची वहां पर गई है, अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, पूरा घर का वातावरण बदल गया। उस एक छोटी सी बालिका ने सिर्फ 6 महीने पढ़ करके आई है, वहां से कुछ दिन की छुट्टियां हैं तो आई है, पर क्या घर का वातावरण बदल गया, पूरा बदल दिया उसने। कैसे बदल दिया, माँ से कैसे बोलना, पिताजी से कैसे बोलना, दादा दादी से कैसे व्यवहार करना, और उसकी तो सारी दिनचर्या ही बदल गई। माता जी हमें तो गौरव होने लगा है कि हमारी बिटिया प्रतिभा स्थली में 6 महीने में इतना सब कुछ सीख करके आ
बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और कल ही यहाँ पर दो बालिका और तैयार हो गई जाने के लिए। इस तरह से जितनी बालिका जाएगी निश्चित समझना कि अब वो इधर उधर भागने वाली नहीं है। भागेंगी कहीं पर तो हम लोगों के संघ में ही भागेंगी और कहीं नहीं जाएगी। अगर आप अपनी बालिकाओं को संस्कारित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रतिभा स्थली में भेजें। वहाँ पर कई सारे कार्यक्रम और बहुत अच्छे से संस्कार दिए जाते हैं। अगर त्यागी व्रती संस्कार देता है तो ऐसे संस्कार देता है जो जीवन के अंतिम समय तक उनके अंदर बने रहते हैं। आप लोग भी मन बनाइए अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रतिभा स्थली में भेज करके और उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार मिल सके, ये भावना भाई है, पुरुषार्थ करिएगा। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, जिननाथपुरम के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। दर्शकों, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जैन समाज के भामाशाह जी, आइए सीधे इनके पास चलते हैं। राजेंद्र जी कटारिया जी इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए सीधे उनके पास चलते हैं और मनोभाव जानते हैं कार्यक्रम को लेकर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मैं एक जो है खुनाद्री के अंदर आदिनाथ भगवान की जो प्रतिष्ठा हो रही है ये बहुत भव्य और विशाल हो रही है। विमल सागर जी महाराज जी और पूर्णमती माता जी के सानिध्य में ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है बहुत अच्छी और बहुत सुनियोजित हो रही है। यहाँ का सब व्यवस्थित प्रोग्राम भी है और सब व्यवस्था भी अच्छी है। आप सब लोग इस चीज़ का धर्म लाभ भी लेवें, इस पंच कल्याणक के अंदर आप सब लोग जुड़ने की चेष्टा करें। और आज विद्यासागर जी महाराज के सत्संग के महाराज विमल सागर जी महाराज एवं पूर्णमती माता जी का बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और इसका धर्म लाभ आप ले। और ये जो प्रतिमा खुनाद्री की ये बहुत अतिशय बहुत विभिन्न बहुत तरह से मतलब अतिशय है। इसके प्रतिमा दो दफे यहाँ से जांच चोरी भी हो चुकी है और वापस दो दफे वापस अपने आप ही अपने को यहाँ वाले खुनाद्री वालों को मैसेज मिला है और ये प्रतिमा वापस यहाँ विराजमान है। और इसका अतिशय इतना सुंदर है कि नए सुबह आप अपने मनोभाव यहाँ आके दर्शन का लाभ लीजिए। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोले 105 पूर्णमती माता जी की जय। आपको ये बताते हुए परम हर्ष है कि 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर खुणाद्री यह 511 वर्ष बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं अपनी जो भी मन्नत मांगते हैं, कई निसंतान वाली महिला भी आती हैं जो यहाँ पर आकर के अपनी मन्नत रखती है, अवश्य उनकी मन्नत भगवान की दया से पूरी हो जाती है, ऐसा मानना है और वास्तव में यह सही साबित हुआ है। बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा है यहाँ पर। और अभी जो भव्य पंच कल्याणक हो रहा है उसको देखकर हमें बहुत खुशी है। मैं बावरवाड़ा समाज का कोषाध्यक्ष हूँ और मुझे बताते हुए वर्ष हर्ष है कि यहाँ जो भव्य पंच कल्याणक हो रहा है वास्तव में हमने सोचा नहीं था उससे भी बढ़कर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहाँ का आवास व्यवस्था का प्रभारी हूँ। हमने यहाँ पर आवास देने की आवास की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और अधिक से अधिक हम ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर से हमारे जो भी आगंतुक जैन भाई लोग आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, जिन्होंने इंद्राणी का पद ग्रहण किया है उनका हम सम्मान आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर इसमें भी कोई कमी पेशी शायद रही नहीं होगी, फिर भी अगर रही है तो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये 19 जनवरी तक ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी यहाँ पर पधारें और धर्म लाभ लेवें और भगवान आदिनाथ जी का आशीर्वाद लेवें। हमारे पूज्य गुरुदेव माता जी यहाँ विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। बोले आदिनाथ भगवान की जय। ये खुणादरी का बहुत भव्य प्रोग्राम है। मैं अभी करीब 8-10 दिन पहले भी यहाँ पर आया था, तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्रोग्राम कैसे होगा इतना भविष्य का। 8 दिन में ही माता जी के आशीर्वाद से ऐसा उलट फेर हुआ है और लग रहा है कि ये भविष्य में बहुत बड़ा तीर्थस्थान बनेगा और हो सकता है कि टूरिस्ट केंद्र भी बन जाए, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियों की जो बसावट है और बरसात वगैरह में तो यह बहुत अच्छा लगेगा। मैं माता जी से इंदौर के चतुर्मास से जुड़ा हुआ हूँ और योग से मेरी मदर का भी उस समय देवासन हुआ था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी धर्म माँ मेरे से मिल गई है
ओ बिलाला परिवार माता जी का बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद है। दर्शकों अभी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक शहर उदयपुर की पुण्य भूमि घुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिननाथपुरम में आयोजित हो रहे श्री 1008 मजिनेन्द्र जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यकरत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किए जा रहे इस महानुष्ठान के प्रथम दिन अर्थात आज जहां जिनेन्द्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ ही गुरुवर का मंगलाशीष पाकर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी आपसे प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियों के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट घोड़ादरी सकल दिगंबर जैन समाज बावलवाड़ा खड़ग क्षेत्रीय दिगंबर जैन दशा हुमण महासभा जिला उदयपुर राजस्थान।